जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से इस जीवन के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में संतुलन प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब जिसकी आवश्यकता होती है, उम्र के जिस पड़ाव पे, वो तत्क्षण हनुमान जी उसे पूरा कर देते हैं और फिर आखिरी क्षणों में प्रभु श्री राम से भी वो मिला देते हैं। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई रचनाएं की हैं। समय समय पे भक्त अगर उनका पाठ करें तो हनुमान जी की प्रसन्नता हमें शीघ्र प्राप्त होती है। अभी कुछ दिन पहले हनुमान साठिका की बात हुई थी। हनुमान साठिका को बंदी मोचन पाठ भी कहते हैं। जीवन में किसी प्रकार का भी बंधन हो, चाहे वो आर्थिक बंधन ही क्यों ना हो, वो तमाम बंधन कट जाते हैं। श्री हनुमान चालीसा की रचना के बाद हनुमान साठिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की और इसके बारे में संतों का कथन है कि किसी प्रकार के बंधन में व्यक्ति हो और अगर सिर्फ हनुमान चालीसा के साथ साथ अगर हनुमान साठिका का पाठ भक्त करें तो उन तमाम बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी हनुमान जी के भक्त जानते हैं कि माता सीता ने कई बार श्री हनुमान जी को सूत कहकर पुकारा है, बेटा कहकर पुकारा है। और हनुमान जी का पूजन अगर इस दौरान अगर किया जाए नवरात्रि में तो माता की प्रसन्नता भी हमें प्राप्त होती है। बहुत सारी जिज्ञासाएँ काफ़ी दिनों से ये आ रही है कि इस बार हम बात करें कि जो लोग भी शनि जनित पीड़ा से परेशान हैं, जिनके जीवन में कार्य सिद्धि नहीं होता, बार बार कार्य अटक जाता है, बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, शनि की शांति नहीं होती, उनके लिए बड़ा ही ये शुभ मौका है। अगला जो शनिवार आने वाला है नवरात्रि का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हनुमान साठिका को लेकर ढेरों प्रश्न सामने आए हैं, पहले हम उन प्रश्नों को ले लेते हैं। सबसे पहले जो एक प्रश्न है वो ये आया है कि हनुमान साठिका में भी क्या प्रभु श्री राम की शपथ दी गई है क्या, जैसा कि बजरंग बाण में दिया गया है। और जितेंद्र मंडल जी जो पश्चिम बंगाल से, इन्होंने लिखा है कि मैं तो कई बार इसको स्किप करके पढ़ता हूँ, यानी कि जहाँ पे ये शब्द आता है उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि आखिर में कहीं कोई शब्द आ रहा है जहाँ वो स्किप करके पढ़ते हैं, यानी उसको नहीं पढ़ते, वो उसके आगे बढ़ जाते हैं। चूँकि बजरंग बाण के बारे में ये कहा गया है कि जहाँ पे प्रभु श्री राम की दुहाई दी गई है, शपथ दिलाई गई है, भक्त वहाँ नहीं पढ़ते और सामान्य परिस्थितियों में इसका पाठ नहीं करना चाहिए, इसलिए वो स्किप कर देते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि हनुमान चालीसा और साठिका का पाठ क्या हम साथ में कर सकते हैं। अन्य लोगों ने भी लिखा है, सोनिया कपूर करके एक आईडी है, कि उसमें भगवान राम को शपथ दिलाई गई है, क्या ये करना ठीक है? अगर 60 दिनों में कहीं बाहर जाना हुआ तो हम इस स्थिति में पाठ कैसे कर सकते हैं? किसी ने लिखा है कि ये कि भाई साहब, हनुमान साठिका से कर्ज उतर सकता है क्या? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिसमें ये बातें कही गई हैं कि इसमें प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई गई है। इसमें संतों के कई मत देखने को मिलते हैं, बजरंग बाण को ही लेकर के। भक्ति की जो शुद्ध अवस्था होती है, जो परम अवस्था होती है, उसमें ये कहा जाता है कि हम अपने इष्ट का शपथ अपने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भला कैसे दे सकते हैं। इसलिए बजरंग बाण का पाठ सामान्य परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, उसमें शपथ दिलाया गया है। लेकिन इसकी रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, आखिर इस तरह की परिस्थितियाँ उनके जीवन में बनी होगी जहाँ सामान्य उपाय से काम नहीं चला होगा, उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को इस तरह से पुकारा होगा, शपथ देकर पुकारा होगा। तो जिसकी रचना स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने की हो, उस पर तो प्रश्न खड़ा ही नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ भाव की बात है। सामान्य अगर परिस्थितियाँ हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने से ही अगर काम बन जाता है तो फिर क्या आवश्यकता है शपथ दिलाने की। इसलिए बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि जब कोई चारा ना हो, जब कोई रास्ता ना हो, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण
जैसे स्थिति आपके जीवन में आ गई हो, कोई तांत्रिक प्रयोग किसी ने कर दिया हो, तो उसके बाद इसका पाठ किया जाता है। मरता क्या नहीं करता वाले कहावत को चरितार्थ करते हुए इसका पाठ किया जाता है। रही बात हनुमान साठिका की, तो हनुमान साठिका में ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई है। जैसा कि ये कहा गया है कि सबसे आखिर में, तो आखिर का हम अगर पढ़ें हनुमान साठिका का, कि जामवंत नल नील पवन सुत दिविद मयंद महाबट भारी दुख हरौ तुलसी जन की प्रभु दश वीरन की बलिहारी। ये बलिहारी शब्द है। बलिहारी शब्द का मतलब ये शपथ देना नहीं है, दुहाई देना ये नहीं है। बलिहारी जामवंत इसके बारे में कहा जाता है। ये बलिहारी का इस अर्थ में हम नहीं ले सकते कि ये बलिहारी कहा जा रहा है कि जो दस वीरों की ये बलिहारी है, मतलब एक तरह से है कि हम उनका नाम ले रहे हैं इतने इतने बड़े वीरों का, इसकी लाज तो कम से कम हनुमान जी आप रखिए और हमारे कार्य को सिद्ध कर दीजिए। यह पुकार की है तुलसीदास जी ने। तो कुछ संतों से भी बातचीत हुई हनुमान साठिका पे, जब हम लोगों ने बातें की, पहले भी बातें हुई हैं, तो इसमें यह बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें शपथ की बात है। इसलिए आप निसंकोच होकर के हनुमान चालीसा की भांति ही हनुमान साठिका का पाठ कीजिए। और हनुमान साठिका यह सर्व फलदायी है हनुमान चालीसा की तरह ही, बल्कि इसको तो बंदी मोचन पाठ कहते हैं। बंदी मोचन पाठ भी कहा जाता है इसको, हनुमान साठिका को। किसी प्रकार का बंधन हो, अगर आप किसी भावबंधन में क्यों ना पड़ गए हों, जीवन में आपका स्वास्थ्य बंधन ही हो, स्वास्थ्य बंधन का तात्पर्य यह है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं हो पा रहा हो, किसी बीमारी से आप जूझ रहे हो, आर्थिक बंधन, आर्थिक रूप से ऐसा लगता है आपके कार्य को किसी ने बांध दिया है, आर्थिक उन्नति आर्थिक तरक्की रुक गई है, उसमें भी ये कार्य करता है। यानी हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दिलाने में यह हनुमान साठिका सहायक है। इसलिए आप हनुमान जी को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस पाठ को कीजिए। अब एक इसका जो उपाय बताया गया है कि 60 दिनों तक लगातार आप पाठ करें। तो अगर हम जिस स्थान से हमने पाठ करना शुरू किया है उस स्थान को छोड़ के हम अन्यत्र जाते हैं, तो क्या पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएं, पुस्तिका हनुमान साठिका के अपने पास रखें। और इस बार हमने जहाँ हनुमान साठिका की बातें की गई हैं, ये पूरा हनुमान साठिका ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से भी आप देख करके पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। अगर आप संकल्पित हो करके, मान लीजिए कि आपका कोई मनोरथ है और आपने संकल्प लिया है कि हम हनुमान जी का यह पाठ करने जा रहे हैं, तो संकल्पित अवस्था में ये आवश्यक होता है कि आप उसी स्थान पर उस संकल्प को पूरा करें। क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो तिथि का, समय का, स्थान का उसमें जिक्र किया जाता है कि हम इस तिथि से, इस दिन से, इस समय से, इस स्थान पे हम हनुमान जी का ये पाठ करना शुरू कर रहे हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि आप उसी स्थान पे उस पाठ को पूरा कीजिए, अगर आप संकल्पित होकर के कर रहे हैं। जैसे बताया गया था कि आप प्रतिदिन 60 पाठ 60 दिनों तक करते हैं, तो कितना भी आपके सामने विकट चुनौती है, विकट परिस्थिति है, वो सब हनुमान जी ठीक कर देंगे। अगर प्रतिदिन हम एक पाठ, तीन पाठ, पांच पाठ या 7 पाठ करते हैं और लगातार 60 दिनों तक करते हैं, तब भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई चुनौती है, कोई परेशानी है, उससे भी हनुमान जी आपको छुटकारा दिला देंगे। चूँकि हनुमान जी परम दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। आप ये करके देखिए। बहुत सारी जो महिला भक्तों ने भी ये पूछा है कि हम 60 दिनों तो कैसे करें, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो उसमें विस्तार से बताया गया है। एक व्यवस्था ये भी है कि आप जब संकल्प लेते हैं, खुद लेते हैं या आपके बदले में पंडित जिस भी संकल्प लेते हैं कि हम अपने अमुक जज्बान का पाठ हम कर रहे हैं, तो महिलाओं को अगर प्राकृतिक व्यवधान जो रहता है 4-5 दिनों का, तो संकल्प लेकर के, हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के किसी व्यक्ति को, अपने घर के ही पुरुष सदस्य को या किसी महिला सदस्य को ही जो शुद्ध अवस्था में हो, उनको आप दे दीजिए। कहिए कि 5 दिनों तक ये पाठ करेंगे और फिर आप जब शुद्ध स्वच्छ हो जाएं उसके बाद फिर से आप इस पाठ को कंटिन्यू कर सकती हैं, इसको आप विस्तारित कर सकती हैं, 60 दिन अपना पूरा कर सकती हैं। इसलिए इसमें कोई कहीं कोई व्यवधान की बात नहीं है।
तो आप निसंकोच होकर के इस पाठ को पढ़िए, कहीं भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रभु श्री राम की शपथ नहीं दी गई है, क्योंकि कई बार हम भक्ति की अवस्था में होते हैं और हमारे भाव इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम अपने इष्ट को कोई शपथ दें, कोई कसम दें। और हनुमान जी तो ऐसे हैं कि अगर आप मुक्त भाव से सब कुछ छोड़कर उनके प्रति आप समर्पित हो जाते हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा, आपके स्मरण में, आपके चिंतन में आप कोई भी कार्य करते हो। जैसे आज एक भक्त ने व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ दीप जलाकर बैठकर नहीं कर पाता हूँ, चूँकि मैं कार्य में व्यस्त रहता हूँ, कुछ इस तरह का हमारा कार्य है, क्या मैं चलते फिरते कर सकता हूँ? बेशक कर सकते हैं। कई बार तो होता है कि हनुमत स्वरूप जब आपके हृदय में उतरा रहता है तो हर क्षण ये पूजा का ही समय होता है। हर क्षण आपके मानस पटल पे हनुमान जी अंकित रहते हैं। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप, वो हृदय में आपके विराजमान रहते हैं और ये पाठ चलते रहता है। तो कभी भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। तो जपत निरंतर हनुमत वीरा, जिनके मन में, जिनके हृदय में हनुमान जी का निरंतर चिंतन सुमिरन चलते रहता है, उनके लिए तो हर क्षण पूजा है, हर घड़ी आराधना है, उपासना है। अब एक जिज्ञासा आई कि इस नवरात्रि में कुछ ऐसा उपाय मिले जो शनि जनित जो पीड़ा है वो शांत हो जाए। इसके लिए एक महामंत्र है। आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे माता रानी के साथ साथ, और इसमें कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रतिदिन आप करते हैं वैसे ही हनुमान जी की पूजा करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, धूप दीप वगैरह दिखाइए, जो भी आप मंत्र का जप करते हो कीजिए। इस शनिवार को हनुमान जी को जो हम चोला चढ़ाते हैं, उस चोले का जो सिंदूर होता है वो सिंदूर ले लीजिए और उसमें कुछ अक्षत मिला लीजिए। सिंदूर और अक्षत जो मिला हुआ है उसको लेकर के आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और हनुमान जी के चरणों पर, जो दाहिना उनका पैर है हनुमान जी का, वहाँ हनुमान चालीसा का पहले पाठ कीजिए उनके सामने बैठ करके, और विभिन्न प्रकार से उनका पूजन कीजिए जितना संभव हो सके। आप वहाँ दीप जलाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, यानी जितना संभव हो सके पंचोपचार पूजा कीजिए। 3 हनुमान चालीसा, 5 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा जितना संभव हो सके कीजिए। हनुमान साठिका का भी पाठ कर सकते हैं। जिन मंत्रों का आप जप करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं, उन मंत्रों का भी आप जप कर लीजिए। उसके बाद आपको करना यह है कि जो चावल है और जिसको आपने सिंदूर में मिलाया है, वो हनुमान जी के दाहिने चरण पे चढ़ाते हुए ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः कहते हुए आप चढ़ाते जाइए। 3 माला आप मूंगे की माला से चढ़ाइए हनुमान जी के श्री चरणों पे। मूंगे की माला वहाँ उपलब्ध नहीं है तो कर माला का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से गिनती कीजिए और 3 माला कम से कम, यानी कि 300 जप ये आपका हो जाए। और जब आप कहें ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ऐसा करने से भगवान शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान शनि प्रसन्न होंगे और जो शनि जनित पीड़ा आपको मिल रही है, जो भगवान शनि का दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, वो सब दूर हो जाएगा। और ये भी बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि चाहे वो कोई भी ग्रह हो, अगर हमें पीड़ा पहुँचा रहा है तो ये हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। अब हनुमान जी के सामने जब हम करबद्ध होकर के प्रार्थना करते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि अब हम इन सब कार्यों से, यानी कि कुमार्ग से और सत्कार्यों में हमने अपने को, खुद को लगा लिया है, अब हम सन्मार्ग पर चलने लगे हैं, हम आपकी आराधना में हैं। जो पहले गलती हुई सो हुई, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब लौ नसानी अब ना नसाई हो, जो हुआ सो हुआ, जो पहले हमने गलतियां की वो की, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, अब मैंने क्विट कर दिया है, जो पुराना मेरा खेल था उसे मैं बाहर आ गया हूँ, वो पहले वाली बातें मेरी ना समझी थी, मैं नहीं जानता था, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था श्री हनुमान जी, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि आप कौन हैं, ये संसार क्या है, और जो नाता हमारा जुड़ना चाहिए वो कहाँ जुड़ना चाहिए, ये बातें मेरी समझ में आ गई हैं। इस तरह से जब हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है तो हनुमान जी आपको क्षमा कर देते हैं।
तो जिसको हम कहते हैं कि शनि जनित पीड़ा अब आपको नहीं मिल रही है। तो हनुमान जी जब क्षमा कर देंगे तो फिर शनि महाराज आपको कष्ट देना बंद कर देंगे, क्योंकि वो तो ईश्वर की ही परमात्मा की इच्छा से जितने ग्रह हैं आपको उस हिसाब से दंड देते हैं। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि आप पहले अपने कार्यों को, अपने कर्मों को ठीक करें, जिसको क्विट कर जाना हम कहते हैं। तो इस प्रकार से शनिवार के दिन आप हनुमान जी के जो पैर है उस पर लाल सिंदूर, जो दाहिना पैर है जिस पर लाल सिंदूर और उसमें चावल मिला करके, अक्षत जिसको कहते हैं, अक्षत मिला करके, और ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ऐसा करके आप इस नवरात्रि के शनिवार को आप कीजिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे और शनि जनित जो पीड़ा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। क्योंकि हनुमान जी जो परम दयालु हैं, मैंने कई बार कहा है कि जब तक उनकी कृपा से हम वंचित हैं तभी तक परेशानी है, एक बार जब हनुमान जी कृपा हो जाएगी तब फिर मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि मंगल के दाता हैं हनुमान जी, मंगल स्वरूप हैं हनुमान जी, संकट मोचन हैं हनुमान जी। जय सियाराम।